आप भी अपने स्नैपचैट में स्नैपचैट के स्ट्रिक इमोजीज को जैसे देखिए आप चेंज करना चाहते हो अपने पसंद का, या अपने इमोजी रखना चाहते हो तो कैसे इमोजी रख सकते हो अपने स्नैपचैट को, वो मैं आपको इधर बता देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए इसको इधर देखिए मैं ओपन करता हूँ इधर से स्नैपचैट का चार्ट्स को, तो ओपन करने के बाद देखिए स्ट्रिक दिखाई इधर होगा, देखिए 2 दिखाई इधर होगा, 4, 8 दिखाई इधर होगा, इधर देखिए उसके बाद जो आप देख सकते हो इस तरीके से आपको इधर देखिए आग का एक गोला दिखाई इधर होगा, इसे आप कैसे चेंज कर सकते हो इसलिए मैं आपको इधर वही बताने वाला हूँ। तो इधर से देखिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इधर से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इसके लिए देखिए आपको इधर क्या करना पड़ेगा, अपना इधर से ओपन कर देना है स्नैपचैट को। तो स्नैपचैट को ओपन करने के बाद देखिए आपको इधर क्या करना पड़ेगा, बहुत ही ईजी मेथड है, बहुत ही आसान तरीके से देखिए आप सीख जाओगे। तो इसके लिए देखिए आपको इधर क्या करना पड़ेगा, आपको इधर देखिए 3 डॉट्स मिल जाएंगे ऊपर जैसे कि देख सकते हो, तो 3 डॉट्स के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको इधर देखिए 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, मैनेज फ्रेंडशिप्स कस्टम बेस्ट फ्रेंड इमोजी करके, तो आपको इधर देखिए 2nd ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों 2nd ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो इधर देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, एक नहीं आपको इधर देखिए 7 या 8 मिल जाएंगे जैसे कि देख सकते हो। आप अपने पसंद के इधर से कस्टमाइज कर सकते हो, बेस्ट फ्रेंड पे आप क्या रखना चाहते हो वो आप देखिए रख सकते हो, इधर आपको इधर देखिए सुपर BFF में आप देखिए कौन सा इधर से रखना चाहते हो तो वो इधर से आप देखिए रख सकते हो। तो आपको इधर देखिए बहुत सारे मिल जाएंगे, इधर देखिए स्नैप स्ट्रिक करके आपको ऑप्शन मिल जाता है तो आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसे कि देखिए अभी आग का है, जैसे कि फायर का आपको इधर दिखाई दे रहा, तो देखिए मेरा इधर मोबाइल पुराना है तो इसलिए देखिए इमोजी भी सारे इधर पुराने आ रहे, तो नया फोन में नया आ जाएगा, तो मेरा इधर बहुत पुराना है 4 या 5 साल होगा, तो इसके लिए देखिए इस तरीके से आ जाएगा, आपको उधर पता ही होगा इमोजीज। तो आपको इधर क्या करना पड़ेगा, अपने पसंद का इधर से आपको इधर इमोजीज को इधर से सेलेक्ट कर देना है स्ट्रिक के लिए। जैसे कि देखिए आपको उधर बहुत सारे A to Z आपको उधर देखने को मिल जाएगा, कीबोर्ड में कितने आ जाएंगे उधर देखिए सारे इधर आ जाएंगे। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको इधर दिखाने के लिए इधर से क्या कर लेता हूँ, इधर देखिए ये मैं स्टार वाला इधर देखिए आंख वाला मैं रख देता हूँ, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करने के बाद देखिए आपको उतना ही क्लिक कर देना, क्लिक करने के बाद देखिए आपको बैक आने, बैक आने के बाद देखिए इधर चेंज हो जाएगा, जैसे कि देख सकते हो इधर चेंज हो चुका है। तो होने के बाद देखिए मैं बैक आ जाता हूँ, तो बैक आने के बाद देखिए इधर से भी चेंज हो जाएगा, तो इधर देखिए थोड़ा आपको वेट कर देना है, तो टाइम का इधर दिखा रहा है, तो मैं देखिए फिर से एक बार इधर से सेलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो इधर देखिए सेलेक्ट हो चुका है लेकिन इधर से नेट नहीं आ रहा है या कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आपको इधर देखिए थोड़ा वेट कर देना है, तो ये नहीं आ रहा है इस तो शायद मेरे इस फ़ोन में। तो इधर से देखिए मैं क्या कर लेता हूँ, दूसरे इधर से इमोजी को इधर से सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वर्क करता है नहीं करता है मैं देख लेता हूँ, क्योंकि देखिए मेरे नए फ़ोन में तो आ रहा है लेकिन देखिए इसमें नहीं आ रहा है, तो इधर से मैं देखिए दूसरा रख देता हूँ। तो जैसे कि देख सकते हो देखिए दूसरा रखने के बाद देखिए इधर आ चुके हैं, जैसे कि आपके सामने इधर दिखाई दे रहा होगा, तो पुराना फ़ोन में देखिए इस तरीके से प्रॉब्लम आ जाता है। तो इस तरीके से देखिए आप चेंज कर सकते हो, कोई भी अपने पसंद का इमोजी रखना चाहते हो स्नैप स्ट्रिक्स के ऊपर, तो इस तरीके से आप देखिए चेंज कर सकते हो। फिर से मैं आपको उधर देखिए और एक दिखा देता हूँ, क्योंकि देखिए इसमें थोड़े थोड़े प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो इधर से मैं हार्ट वाला इधर से रख के मैं आपको उधर दिखा देता हूँ, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, देखते हैं इस तो ये वर्क करता है नहीं करता, एक एक वर्क हो रहा है एक एक नहीं हो रहा है, तो इधर देखिए वर्क हो चुका है, तो इस तरीके से देखिए आप चेंज कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ तो आपको इधर देखिए ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर देना, और देखिए आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो इंस्टा पर DM कर सकते हो, उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने की वो भी मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, और अपने भाई को इंस्टा पर जरूर फॉलो कर देना और जरूर सपोर्ट कर देना। तो चले मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद दोस्तों।